दिन को करारा झटका, रूसी एयरबेस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, 60 रूसी मिसाइलें भी तबाह करने का दावा। पाकिस्तान में तोपखाना विवाद गहराया, इमरान से घड़ी खरीदने वाला बिजनेसमैन बोला, विवाद से पीछे छुड़ाने के लिए लौटाना चाहता हूं घड़ी। इंडोनेशिया में प्री मैरिटल सेक्स बैन, नए कानून को मिली मंजूरी, अब शादी से पहले संबंध बनाना क्राइम होगा। यूएन में भारत ने कहा, आतंकवाद ग्लोबल चैलेंज, इससे लड़ने के लिए दुनिया को एकजुट होना होगा, जीरो टॉलरेंस अप्रोच जरूरी। कनाडा में सिख लड़की को मारी गोली, 15 दिन में दूसरी बड़ी घटना, 25 नवंबर को 18 साल के महकप्रीत का हुआ था मर्डर। कोलंबिया में लैंडस्लाइड, 8 बच्चों समेत 34 की मौत, 7 साल की बच्ची को मलबे से निकाला। पाकिस्तान का नया दावा, डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल देने को तैयार हुआ रूस, पुतिन सरकार ने नहीं की पुष्टि। पाकिस्तान से बातचीत के लिए भारत की शर्त, जर्मनी के विदेश मंत्री से बोले जयशंकर, रूसी तेल खरीदने पर ईयू हमें लेक्चर ना दे। चीन सरकार प्रदर्शनकारियों के सामने झुके, जीरो कोविड पॉलिसी में दी बड़ी ढील, चीन में कोरोना का कहर काफी तेजी से फैल रहा। एलन मस्क को जान का खतरा, बोले कोई भी मार सकता है गोली, नहीं घूमता ओपन कार में। मथुरा में शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने पहुंचे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता, 4 हिरासत में लिए गए, पुलिस कर रही पूछताछ। भारत की जीडीपी अगले साल 6.9% रहने का अनुमान, सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 के दौरान जीडीपी 6.5%, विश्व बैंक ने जारी किए आंकड़े। तूफान मेंडोस से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, तमिलनाडु के 13 जिलों में रेड अलर्ट, एनडीआरएफ की 6 टीमें तैनात। इंडिया में नर्मदा के उच्चान घाट पर भागवत कथा के तीसरे दिन वृंदावन से आई कथावाचक, श्री कृष्ण प्रिया ने बांधा समर, कहा जीवन में अगर सुखी रहना है तो भक्ति को जागृत करना होगा। मुंबई हवाई अड्डे से कस्टम विभाग ने 4,712 ग्राम सोना जब्त किया, 3 लोगों को किया गिरफ्तार, सोने की कीमत 2.5 करोड़ रुपए के आसपास। विश्व मृदा संरक्षण दिवस पर युवाओं ने लिया संकल्प, किया नारियल विसर्जन, जन अभियान परिषद के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ से होकर गोंडा की तरफ आ रही मालगाड़ी के पहिए में लगी आग, हल्ला कर ग्रामीणों ने गार्ड से रुकवाई ट्रेन, ट्रेन के पहिए में अज्ञात कारणों से लगी थी आग। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोल, अजीब ड्रेस के चलते शिल्पा शेट्टी को सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद से किया जा रहा कंपेयर। शाहरुख खान के पठान का पावर पैक्ड नया पोस्टर रिलीज, रफ एंड टफ लुक में दिखे किंग खान, फैंस को काफी पसंद आ रहा लुक। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमिका में नजर आए अक्षय, शुरू की अभिनेता की पहली मराठी फिल्म की शूटिंग। फेसबुक का नया प्रयोग, अब एआई फेस स्नैक स्कैनिंग की मदद से पता चल सकेगी यूजर की उम्र, मेटा ने एक ब्लॉग पोस्ट में घोषणा करते हुए जानकारी दी। फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांगी माफी, अग्निहोत्री ने गौतम नवलखा को बेल देने के फैसले की थी आलोचना। ब्राजील 7वीं बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से हराया, खिलाड़ियों ने किया सांबा डांस। मारुति ने वापस बुलाई 9,125 कारें, 2 से 28 नवंबर 2022 के बीच हुई थी मैन्युफैक्चरिंग, शोल्डर हाइट एडजस्ट असेंबली में गड़बड़ी। महाकाल मंदिर में 20 दिसंबर से नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल, प्रसादी भी हुई महंगी, नियम तोड़ने पर वसूला जाएगा जुर्माना।